राजस्थान के कोटा में कुनहाड़ी थाना क्षेत्र के विकास नगर नंता रोड पर युवक अनमोल सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासी ग्राम वालापुरा पोस्ट नया गांव तहसील जिला बूंदी हाल निवासी सुभाष नगर पर लाठी व लोहे के सरिये से हमला कर घायल कर दिया। वारदात के बाद आरोपी युवक की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर उसमें रखे 2,33,000 रुपये लेकर फरार हो गए। पीड़ित युवक अनमोल सिंह ने बताया कि उसकी दवा फैक्ट्री में राकेश नाम का युवक 2 साल से सेल्समैन का काम कर रहा है, जो कुछ महीनों से 1 लाख का पेमेंट जमा नहीं कर पा रहा था। वह राकेश ने फोन कर उसके विकास नगर स्थित मकान पर बुलाया, जहां राकेश के साथ एक अन्य युवक भी मौजूद था। बातचीत के दौरान राकेश ने लोहे के पाइप और लाठियों से मारपीट कर दी। हंगामा होने की आवाज़ सुन उसके अन्य 10-15 साथी भी वहां पहुंच गए, जिन्होंने मारपीट के बाद गाड़ी में तोड़फोड़ की। गाड़ी के डेक्स पर 2,33,000 रुपए रखे थे, वो भी लूट ले गए। सर, विकास नगर में मेरी फैक्ट्री है, कैप्सूल का काम है, मेरा ट्रेडिंग करता हूं मैं। राकेश मीणा ने कर लिया मेरे साथ ऐसा। राकेश मीणा मेरे पास सेल्समैन है, मेरा 2 साल से काम कर रहा था मेरे पास। उसने मेरे को अपने रूम पर बुलाया। किस जगह? उसका रूम भी विकास नगर में है। उसके पास गया मैं, वो रूम में 2 जने बैठे थे। मैंने पहले उसको बोला, मैंने कहा चल पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ी में, लेकिन तो कि नहीं 2 मिनट पहले बात कर ले। तो मैं उसके रूम में गया, रूम में जाते ही उसने पेमेंट वेमेंट की बात करी कि तुमने पार्टी में एक पार्टी को फ़ोन कर दिया मेरे को कि उसको पेमेंट नहीं देना आपको। तो मेरे से कहने लगा तुमने उस पार्टी को फ़ोन दिया। मैंने कहा जब तू पेमेंट नहीं देगा तो मैं कहाँ से दूंगा तेरे को। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।